स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग शिनकुनला टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी लद्दाख। आंसर डी लद्दाख। एक्सप्लेनेशन, 26 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख के कारगिल में पहला विस्फोट कर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग के निर्माण की शुरुआत की थी। शिनकुनला सुरंग 4.1 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें जुड़वा ट्यूबें होंगी और यह निम्यू पदुम दारचा रोड पर लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अगला प्रश्न, पूर्वोत्तर का कौन सा सांस्कृतिक स्थल सांस्कृतिक श्रेणी के तहत यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला पहला स्थान बन गया? ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बी कामाख्या मंदिर, सी मोइडम्स, डी माजुली द्वीप। आंसर सी मोइडम्स। एक्सप्लेनेशन, भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उपलब्धि में असम से मोइडम्स 700 साल पुरानी अहोम राजवंश की माउंट दफन प्रणाली टीलेनुमा संरचना में दफनाने की व्यवस्था को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये घोषणा आज 26 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के चल रहे 46वें सत्र में की गई। ये यहां शामिल होने वाली भारत की 43वीं संपत्ति बन गई है। अगला प्रश्न, सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? ए 20,000, बी 25,000, सी 27,000, डी 30,000। आंसर बी 25,000। एक्सप्लेनेशन, केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र PMBJK खोलने का लक्ष्य रखा है। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में बताया कि पिछले महीने जून तक देश भर में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में 547 PMBJ केंद्र खोले गए हैं। इन जन औषधि केंद्रों के जरिए लगभग 1965 जेनेरिक दवाएं और 293 सर्जिकल उत्पाद सस्ती दरों पर बेचे जाते हैं। अगला प्रश्न, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? ए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, बी विशाखापत्तनम बंदरगाह, सी पारादीप बंदरगाह, डी कामराजार बंदरगाह। आंसर ए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। एक्सप्लेनेशन, देश की कृषि निर्यात और आयात क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 284 करोड़ रुपए से अधिक की सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये सुविधा लॉजिस्टिक्स में अकुशलताओं को दूर करेगी, कई तरह के प्रबंधन में सुधार लाएगी और कृषि उत्पादों को सुरक्षित रखने की अवधि बढ़ाएगी। अगला प्रश्न, हाल ही में मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? ए चिराग पासवान, बी जयंत चौधरी, सी अनुप्रिया पटेल, डी गिरिराज सिंह। आंसर बी जयंत चौधरी। एक्सप्लेनेशन, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने हाल ही में नई दिल्ली में मॉडल कौशल ऋण योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य देश के भविष्य के लिए तैयार कार्यबल को सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत देश भर के 25,000 युवाओं को शिक्षा और कौशल उन्नयन के अवसर प्रदान किए जाएंगे।